जय हिंद दोस्तों, मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल की घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जैसे ही मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँगा आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बिटकॉइन को ही खरीदने में क्यों लगे हुए हैं? आखिर बिटकॉइन ऐसी क्या चीज़ है कि इसका प्राइस जो है बहुत तेजी के साथ बढ़ता हुआ चला जा रहा है। तो आज हम लोग इस पूरे वीडियो में सिर्फ बिटकॉइन के बारे में ही बात करेंगे। देखिए, बिटकॉइन एक विकेंद्रीकृत डिजिटल मुद्रा है, मतलब कि बिटकॉइन आपका एक डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है। यह पहली डिसेंट्रलाइज डिजिटल करेंसी है जिसका अर्थ है कि यह किसी केंद्रीय बैंक द्वारा संचालित नहीं होती, मतलब कि इसके यह किसी भी बैंक के अंडर वर्क नहीं करता है। कंप्यूटर नेटवर्किंग पर आधारित भुगतान हेतु इसे निर्मित किया गया है। इसका विकास सतोशी नाकामोतो नामक एक इंजीनियर ने किया था, लेकिन सतोशी नाकामोतो कौन है आज तक कोई नहीं जान पाया है। इसकी शुरुआत 3 जनवरी 2009 को हुई थी। यह विश्व का प्रथम पूर्णतया खुला भुगतान तंत्र है, मतलब कि यह एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसमें मतलब ओपन स्ट्रक्चर पे आधारित होता है। दुनिया भर में 1 करोड़ से अधिक बिटकॉइन है। बिटकॉइन एक वर्चुअल यानी आभासी मुद्रा है। आभासी मतलब कि अन्य मुद्रा की तरह इसका कोई भौतिक स्वरूप तो नहीं है। यह एक डिजिटल करेंसी है। यह एक ऐसी करेंसी है जिसको आप ना तो देख सकते हैं और ना ही छू सकते हैं। यह केवल इलेक्ट्रॉनिकली कंप्यूटर पे आपके स्टोर हो सकती है। अगर किसी के पास बिटकॉइन है तो आम मुद्रा की तरह ही सामान खरीद सकता है और सामान और कोई भी सामान उससे ले सकता है। वर्तमान में संसार में बिटकॉइन काफ़ी लोकप्रिय हो रहा है। इसका आविष्कार सतोशी नाकामोतो नामक एक इंजीनियर ने 2008 में किया था और 2009 में ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के रूप में इसे जारी किया गया था। वर्तमान में लोग कम कीमत पर बिटकॉइन खरीदकर ऊंचे दामों पर बेचकर यही कारोबार कर रहे हैं। आम डेबिट क्रेडिट कार्ड से भुगतान करने में लगभग 2 से 3% लेन देन शुल्क लगता है, लेकिन बिटकॉइन में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसके लेन देन में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता है, इस वजह से यह लोकप्रिय होता जा रहा है। इसके अलावा यह सुरक्षित और सुपर फास्ट तरीका है जिससे लोग बिटकॉइन स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। किसी अन्य क्रेडिट कार्ड की तरह इसमें कोई क्रेडिट लिमिट नहीं होती, ना ही कोई नकदी लेकर घूमने की समस्या होती है। खरीदार की पहचान का खुलासा किए बिना पूरे बिटकॉइन नेटवर्क के प्रत्येक लेन देन के बारे में पता किया जा सकता है। यह एकदम सुरक्षित और सुपर फास्ट तरीका है और यह दुनिया में कहीं भी कारगर है और इसकी कोई सीमा भी नहीं है। ऐसे सैकड़ों हजारों वेबसाइट कंपनियां हैं जो बिटकॉइन को स्वीकार कर रही हैं। प्लेन की टिकट, होटल रूम, इलेक्ट्रॉनिक्स कार, कॉफी और किसी अन्य चीज़ के लिए पेमेंट कर सकते हैं। हर साल दुनिया में $1 से लेकर $1 मिलियन तक इधर से उधर हो जाता है। वैसे भी पैसे लेने के लिए हम लोग बैंक और कई कंपनियों का सहारा लेते हैं। यह सभी कंपनियों हमारे भेजे हुए पैसों को हमारे लोगों तक पहुंचाने के लिए अतिरिक्त राशि फीस के रूप में ले लेते हैं और हमें उन पर भरोसा करना पड़ता है। वेस्टर्न यूनियन, मनीग्राम और उन जैसी दूसरी कंपनियों की मदद चाहिए होती है, मगर इस सुविधा को प्राप्त करने के लिए कोई मंजूरी भी नहीं लेनी पड़ती है। आज बिटकॉइन से हमको ये सब हो गया है कि हम बिना बैंक के भी कहीं पे भी कोई ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। आज भी कई लोगों के पास बैंकिंग सुविधा नहीं है, लेकिन उन लोगों की संख्या अधिक है जिनके पास इंटरनेट के साथ सेलफोन है और यह इंटरनेट के माध्यम से व्यापार नहीं कर सकते हैं। लेकिन अब यह बिटकॉइन की वजह से ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि बिटकॉइन पर किसी व्यक्ति विशेष सरकार का कोई स्वामित्व नहीं होता। बिटकॉइन करेंसी पर कोई भी सेंट्रलाइज कंट्रोलिंग अथॉरिटी नहीं है। आज बिटकॉइन काफ़ी प्रसिद्ध है। इससे शक्ति उन हजारों लोगों से मिलती है जिनके पास विशेष कंप्यूटर होते हैं, जो अपने कंप्यूटर के दम पे इसकी माइनिंग करते हैं, जो नेटवर्क को शक्ति संपन्न बनाते हैं, नेट पर स्ट्रक्चर का को विनिमय कर को सुरक्षित करते हैं और लेन देन की जांच करते हैं। इसे कहा जाता है माइनिंग, कहा जाता है बिटकॉइन की माइनिंग, कहा जाता है। आखिर बिटकॉइन की माइनिंग क्या होती है? आम भाषा में माइनिंग का मतलब ये होता है कि खुदाई के द्वारा खनिजों को निकालना, जैसे कि सोना, कोयला आदि की माइनिंग करना। चूँकि बिटकॉइन का कोई भौतिक रूप नहीं है, कोई फिजिकल स्वरूप नहीं है इसका, इसलिए हम इसको जो है उदा नहीं कर सकते। इसकी माइनिंग परंपरागत तरीके से तो नहीं हो सकती, लेकिन इसकी माइनिंग का मतलब ये होता है कि आप इसे कंप्यूटर पे, आप इसको ट्रांजेक्शन पे नज़र रख के आप इसकी माइनिंग कर सकते हैं। इसकी माइनिंग मतलब कि बिटकॉइन का निर्माण करना होता है जो कि कंप्यूटर पर ही संभव है। अर्थात बिटकॉइन को कैसे बनाए, नई बिटकॉइन बनाने के तरीकों को बिटकॉइन का माइनिंग कहा जाता है।
बिटकॉइन माइनिंग का मतलब एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें कंप्यूटर पावर का इस्तेमाल कर ट्रांजेक्शन प्रोसेस किया जाता है, नेटवर्क को सुरक्षित रखा जाता है, साथ ही नेटवर्क को सिंक्रोनाइज भी किया जाता है। यह एक बिट कंप्यूटर सेंटर की तरह है और यह डिसेंट्रलाइज सिस्टम है जिससे कि दुनिया भर में स्थित माइनर कंट्रोल करते हैं। माइनर्स वो होते हैं जो माइनिंग का कार्य करते हैं, अर्थात जो बिटकॉइन बनाते हैं। अकेला एक इंसान माइनिंग को कंट्रोल नहीं कर सकता है। बिटकॉइन माइनिंग की सफलता का ट्रांजेक्शन प्रोसेस करने में जो पुरस्कार मिलता है वह बिटकॉइन होता है। बिटकॉइन माइनर को माइनिंग के लिए एक स्पेशल हार्डवेयर या कहें तो एक शक्तिशाली कंप्यूटर की जरूरत पड़ती है जिसकी प्रोसेसिंग बहुत ही तीव्र होनी चाहिए। इसके अलावा बिटकॉइन माइनिंग सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है। माइनर्स अगर ट्रांजेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं तो उन्हें ट्रांजेक्शन फीस के बदले में जो है बिटकॉइन मिल जाते हैं। यह ट्रांजेक्शन फीस बिटकॉइन के रूप में ही मिलती है। उन्हें एक नए ट्रांजेक्शन को कंफर्म होने के लिए उन्हें ब्लॉक में शामिल करना पड़ता है। उसके साथ एक गणितीय प्रणाली होती है और उसको हल करना होता है जो कि बहुत ही कठिन प्रोसेस होता है जिसकी पुष्टि करानी होती है। प्रूफ करने के बाद आपको लाखों कैलकुलेशन प्रति सेकंड करने पड़ेंगे, इसके बाद ही ट्रांजेक्शन कन्फर्म होगा है। जैसे जैसे माइनर्स हमारे इस नेटवर्क से जुड़ेंगे तो उन्हें माइनिंग करने के लिए अतिरिक्त ब्लॉक खोजने की तरीका और भी कठिन हो जाएगा। माइनिंग का काम वही लोग करते हैं जो जिनके पास के पास विशेष गणना वाले कंप्यूटर और गणना करने की उचित क्षमता हो। ऐसा नहीं होने पर माइनर्स केवल इलेक्ट्रिसिटी ही खर्च करेगा और अपना समय बर्बाद करेगा। बिटकॉइन के माइनिंग का प्रमुख उद्देश्य है बिटकॉइन नोड को सुरक्षित बनाना और नेटवर्क को छेड़छाड़ से दूर रखना। वर्तमान में यह सभी भौतिक मुद्राओं से कहीं अधिक मूल्यवान मुद्रा बन चुकी है क्योंकि आज के समय में एक बिटकॉइन कीमत 36 लाख रुपए पहुंच चुकी है। बिटकॉइन के लेन देन के लिए बिटकॉइन एड्रेस का प्रयोग किया जाता है। जिस तरीके से आप लोग अपने पैसे जो है बैंक अकाउंट में रखते हैं ऐसे ही यहाँ पे आपका बिटकॉइन के एड्रेस में होता है। कोई भी ब्लॉकचेन में अपना खाता बनाकर इसके जरिए बिटकॉइन का लेन देन कर सकता है। बिटकॉइन की सबसे छोटी संख्या को सतोशी कहा जाता है। इस तरीके से रुपए की सबसे छोटी संख्या पैसे होती है और एक रुपए में 100 पैसा होता है। ठीक उसी तरीके से एक बिटकॉइन में 10 करोड़ सतोशी होते हैं यानी 0.00000001 BTC को एक सतोशी कहा जाता है। बिटकॉइन का मूल्य कई चीज़ों पर निर्भर होता है। उनमें से दो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ें आपूर्ति और मांग है। बिटकॉइन सीमित संख्या में पाया जाता है। 21 लाख बिटकॉइन ही माइन किए जा सकते हैं जो कि 2140 ईस्वी में ख़त्म हो जाएगा। इसी में अगर आपूर्ति से कम मांग हो तो बिटकॉइन का मूल्य घटता है और उल्टा होने पर इसका मूल्य क्या होता है बढ़ता है। इसीलिए बिटकॉइन की मांग लगातार बढ़ती चली जा रही है क्योंकि टोटल 21 मिलियन ही बिटकॉइन पूरी दुनिया में मौजूद होंगे जो है और लगातार इसकी मांग बढ़ती जा रही है। इसीलिए बिटकॉइन का दाम आज के समय जब मैं वीडियो बना रहा हूँ 23 जनवरी 2021 को इसका दाम 36 लाख रुपए है। तो आप सोच सकते हैं कि बिटकॉइन जो है फ्यूचर में कितना अधिक जा सकता है क्योंकि अधिक से अधिक लोग इसको खरीदेंगे और ये लिमिटेड है। जब सप्लाई कम हो जाती है डिमांड बढ़ जाते हैं तो प्राइस बहुत अधिक हो जाती है। ये सप्लाई और डिमांड का एक सिंपल सा फार्मूला होता है। इस तरीके से सोने की जो है मांग अगर कम हो जाती है तो सोना महंगा हो जाता है, ठीक उसी तरीके से अगर बिटकॉइन की सप्लाई भी अगर कम हो जाएगी तो इसका डिमांड अगर बढ़ेगा तो इसका प्राइस काफ़ी अधिक हो जाएगा। तो आशा करते हैं आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए। अगर चैनल पर बिल्कुल भी नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल की घंटी को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। तो थैंक यू, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।